प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से की अपील, महामारी के खिलाफ मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग कर सावधानी बरकरार रखने को कहा। कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर प्रतिबंधित गतिविधियां फिर से होंगी शुरू। 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल। दूसरे चरण में स्कूल एवं कॉलेज। प्रदेश में किसानों से फसलों में जल प्रबंधन अपनाने की अपील। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन अपनाकर किसान फसलों में पानी की खपत को कर सकते हैं कम। और कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में लाभकारी सिद्ध हो रही है आरोग्यम बाइक एम्बुलेंस। इसकी मदद से 1500 से ज्यादा लोगों को घर पर ही उपलब्ध करवाई गई प्राथमिक चिकित्सा। नमस्कार, मैं रूपम अहलावत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में देशवासियों से रूबरू हुए। प्रधानमंत्री ने वैश्विक महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को अहम बताते हुए कहा कि सबके प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। देश में सबके सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। हमारी जनसंख्या ज्यादातर देशों से कई गुना ज्यादा है। हमारे देश में चुनौतियां भी भिन्न प्रकार की हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया जितना दुनिया के अन्य देशों में फैला। कोरोना से होने वाले मृत्यु दर भी हमारे देश में काफी कम है। इतने बड़े देश में हर एक देशवासी ने खुद इस लड़ाई को लड़ने की ठानी है। ये पूरी मुहिम पीपल ड्रिवन है। और वहीं देश में जारी लॉकडाउन में मिली छूट को लेकर प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील कर कहा कि कोरोना के खिलाफ जारी हमारी जंग को कमजोर नहीं होने देना और इस महामारी के खिलाफ सावधानियों को बरकरार रखना है। साथियों, हम सबको ये भी ध्यान रखना होगा कि इतनी कठिन तपस्या के बाद, इतनी कठिनाइयों के बाद देश ने जिस तरह हालत संभाला है उसे बिगड़ने नहीं देना है। हमें इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देना है। हम लापरवाह हो जाएं, सावधानी छोड़ दें, ये कोई विकल्प नहीं है। इसलिए 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क, हाथों को धोना, इन सब सावधानियों का वैसे ही पालन करते रहना है जैसे अभी तक करते आए हैं। और वहीं मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। साथियों, हमारे देश में करोड़ों करोड़ गरीब दशकों से एक बहुत बड़ी चिंता में रहते आए हैं, अगर बीमार पड़ गए तो क्या होगा, अपना इलाज कराएं या फिर परिवार के लिए रोटी की चिंता करें। इस तकलीफ को समझते हुए, इस चिंता को दूर करने के लिए ही करीब 1.5 साल पहले आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी। कुछ ही दिन पहले आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। अगर गरीबों को अस्पताल में भर्ती होने के बाद इलाज के लिए पैसे देने पड़ते, इनका मुफ्त इलाज नहीं हुआ होता तो उन्हें एक मोटा मोटा अंदाज है करीब करीब 14,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों के पैसे खर्च होने से बचाए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट के माध्यम से आयुष्मान योजना की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना देश के गरीब परिवारों के लिए संजीवनी का काम कर रही है और इस योजना से गरीब व वंचित वर्ग के जीवन में एक नई आशा व विश्वास पैदा हुआ है। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में प्रतिबंधित गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से
फिर से शुरू करने के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कंटेनमेंट क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि इन क्षेत्रों से बाहर चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने की अनुमति होगी। पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य आवभगत सेवाओं तथा शॉपिंग मॉल्स में लोगों के प्रवेश की अनुमति होगी। इसके लिए नियम तय करने का अधिकार राज्यों को होगा। दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सलाह मशवरा करने के बाद जुलाई में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर भी विचार किया जाएगा। ये दिशा निर्देश सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर लागू होंगे। प्रदेश में भूमिगत जल के स्तर को संतुलित बनाए रखने के लिए हरियाणा सरकार सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं और रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम को बढ़ावा दे रही है। करनाल स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन तकनीक ने खेतों में पानी की जरूरत को आधा कर दिया है। संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर HH जाट ने कहा कि हरियाणा में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। अगर हमने जल प्रबंधन नहीं किया तो स्थिति विकराल रूप ले सकती है। उन्होंने बताया कि भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन के कारण प्रदेश के अधिकांश जिले डार्क जोन में आ गए हैं। धान की पैदावार, बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिक विकास इसके मुख्य कारण हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान संस्थान की रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन तकनीक अपनाकर खेती में पानी की जरूरत को कम किया जा सकता है। यह तकनीक किसानों के लिए काफी कारगर साबित हो रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में हमने 100 के करीब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए हैं, जिनके उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन, तालाब, कुएं और परंपरागत जल स्रोत को पुनर्जीवित करके भी हम भूजल स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। काम कर रहे हैं ताकि हम चाहते हैं कि जितना धान को जितना पानी की जरूरत हो उतना ही उसको दिया जाए, उससे ज्यादा एक्सेस में पानी खेत में नहीं खड़ा किया जाए, ताकि जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है उसको हम नीचे जाने से रोक सकें और कम से कम रोक नहीं सके तो स्टेबलाइज कर सकें। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तो है कि हम कद्दू करके जो धान की बिजाई करते हैं उसके बजाय हम धान की सीधी बिजाई करें। जैसे हम गेहूँ लगाते हैं उसी तरह से हम सीधी बिजाई करते हैं तो जो इसमें पानी की बचत है वो करीबन 15 से लेकर 25% तक पानी की बचत हो जाती है। पानी की 50% तक लगभग बचत है हर फसल में इसे जो फ्लड एरिया। किसान अपना रहे हैं ये? किसान ने अभी पिछले साल ही कई किसान लोग हैं उन्होंने अपने अपने पहले सरफेस पे लगाया है अभी सरफेस ड्रिप इरिगेशन, और धीरे धीरे वो उनकी इच्छा है वो सब सरफेस ड्रिप पर भी काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। किसान यहाँ से देखते हैं और अपने वहाँ पर जो खेत पे हैं। हरियाणा प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र पंचकूला में स्वास्थ्य सेवाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए आरोग्यम एम्बुलेंस बाइक सेवा कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान लाभकारी साबित हो रही है। आरोग्यम एम्बुलेंस बाइक सेवा ऑपरेटरों द्वारा कोविड-19 के दौरान 4,556 लोगों को कोरोना के लक्षणों व बचाव के बारे में जागरूक किया गया और 1,565 लोगों को घर पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई। वहीं 64 लोगों को प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों व सब सेंटरों पर इलाज के लिए पहुंचाया गया। इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी की हरियाणा इकाई के सचिव DR शर्मा ने बताया कि कोविड-19 में आरोग्यम एम्बुलेंस बाइक सेवाओं को यमुनानगर जिले में शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है। पंचकुला के उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि इन आरोग्यम बाइक ऑपरेटरों को हिदायत दी गई है कि वे घर घर जाकर खांसी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षणों वाले लोगों की पहचान करें और तुरंत इसकी जानकारी अस्पताल को दें। आरोग्यम बाइक ऑपरेटर भूपेंद्र ने बताया कि वे लोगों को कोरोना के लक्षणों व बचाव के बारे में जागरूक कर रहे हैं। बाइक ऑपरेटर करमजीत ने बताया कि बाइक एम्बुलेंस चलाने का मुख्य उद्देश्य ऐसे दुर्गम स्थानों पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है जहां पर चार पहिया वाहन का पहुंचना असंभव है। इतना सफल रहा है ये कार्यक्रम और इसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे रेडक्रॉस सोसाइटी दिल्ली हेडक्वार्टर की तरफ से भी अप्रिसिएशन मिला है और हमने भी इसको बहुत अप्रिशिएट किया है स्टेट की तरफ से। उसमें जो आरोग्यम बाइक्स हैं ये काफ़ी सक्सेसफुल हैं और कोविड के दिनों में इनको विशेष रूप से सेंसिटाइज किया गया है कि जो कंसर्न हैं उनको कहीं भी इस तरह का कोई पर्सन जिसको खांसी, बुखार या सांस लेने में दिक्कत आ रही हो तो वो तुरंत हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ के नोटिस में लाएँ ताकि उसका कोविड टेस्ट भी करवाया जाए। उसकी एम्बुलेंस नहीं जाती है वहाँ पे, हम बाइक लेके जाते हैं
टूटे फूटे रास्तों में, कच्चे रास्तों में, और जो हमको लगता है कि इसको जुखाम या बुखार है उसको हम PSC तक लेके जाते हैं और कोरोना के बारे में भी जागरूक कर रहे हैं घर घर जाके। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर नूह जिला क्षय रोग विभाग ने जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को तंबाकू से होने वाले बीमारियों को लेकर जागरूक किया। विभाग ने बैनर जारी कर लोगों को तंबाकू के साथ कोरोना से बचाव के तरीके भी बताए। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर प्रवीण राज ने कहा कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू के कारण कैंसर के साथ दिल की बीमारी, मुंह से दुर्गंध आना और आंखों से भी कम दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि तंबाकू को दृढ़ संकल्प से ही छोड़ा जा सकता है। तंबाकू छोड़ने से रक्त का संचार बेहतर होता है और फेफड़े स्वस्थ बनते हैं। धूम्रपान न करने से कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का खतरा भी कम होता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इसे पर्व की तरह सेलिब्रेशन तक कि हर आदमी तक हम ये मैसेज पहुंचा सकें कि तंबाकू का कोई भी उत्पाद हो वो सेहत के लिए हानिकारक है। अक्सर अभी आपने जैसा पूछा, गाँव में कहते हैं हुक्के से कुछ नहीं होता है, सुपारी से कुछ नहीं होता, जो गुटखा मिला तंबाकू मिला के जो सुपारी खाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। हर पदार्थ जिसमें तंबाकू का इस्तेमाल होता है वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मनरेगा योजना लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रही है। हरियाणा देश में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा मजदूरी दे रहा है। यहाँ हाल ही में मजदूरी की दर 284 रुपए से बढ़ाकर 309 रुपए की गई है। जिला जींद के गांव लिजवाना कला में मनरेगा के तहत खेतों में काम जाने वाले मार्ग को बेहतर बनाया जा रहा है। वहीं तालाब की खुदाई का कार्य भी तेज गति से चल रहा है। जिला परिषद जींद के CEO विजेंद्र हुड्डा ने गांव में कार्यस्थल पर मजदूरों की समस्याओं को जाना। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित मनरेगा योजना महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत कार्य करने के 7 दिन में ही पैसे मजदूर के बैंक खाते में आ जाते हैं। मजदूरों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान घर के समीप ही उन्हें काम मिल रहा है, इसलिए यह योजना उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। पिछले दिनों में तो मात्र हमारा 100-150 करोड़ ही, मतलब 200 करोड़, 300 करोड़, इसके आसपास ही होता था। 1000 करोड़ बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है। इससे इन लोगों को एक आजीविका मिलेगी और गांव में भी, अपने रूरल एरिया में भी एक विकास के कार्य करने में हमें बहुत मदद मिलेगी। गरीबों के इसमें बहुत फायदा है, बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं इस योजना को। उसके बाद मुकाम मिला तो हमने बहुत 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 बड़ी खुशी हुई है कि भाई हम जो। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। हरियाणा में अब कैंसर व किडनी रोग से पीड़ित मरीजों को 2,250 रुपये प्रतिमाह देने के हिसाब से पेंशन देने का फैसला लिया गया है। इस मामले में हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने बताया कि इन मरीजों को पेंशन देने के लिए प्रदेश सरकार ने सहमति दे दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे मरीजों को आर्थिक मदद देना बहुत ही जरूरी है। प्रदेश सरकार ने इनकी समस्या को समझते हुए यह फैसला लिया है। झज्जर से हरियाणा महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष नीना राठी और हरियाणा किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष सतपाल राठी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने चंडीगढ़ में उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाकर विधिवत रूप से पार्टी में शामिल किया। इस अवसर पर बहादुरगढ़ से भाजपा के पूर्व विधायक नरेश कौशिक, कॉन्फेड चेयरमैन कैप्टन भूपेंद्र सिंह, भाजपा नेत्री सुमित्रा चौहान, भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी रणदीप खनखस, अध्यक्षीय कार्यालय प्रमुख संजय आहूजा समेत कई नेता मौजूद थे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने राठी दंपति का भाजपा में स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ किसी एक परिवार का वर्चस्व नहीं चलता। भाजपा में सामान्य कार्यकर्ता भी संगठन के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भाजपा में शामिल होने से उनके सम्मान में और वृद्धि होगी। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राठी दंपति ने कहा कि देश और प्रदेश विकास और तरक्की के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, ऐसे में हम भी भाजपा के साथ जुड़कर विकास के इस दौर के साक्षी बनना चाहते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से की अपील, महामारी के खिलाफ मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग कर सावधानी बरकरार रखने को कहा। कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर प्रतिबंधित गतिविधियां फिर से होंगी शुरू, 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल, दूसरे चरण में स्कूल एवं कॉलेज। प्रदेश में किसानों से फसलों में जल प्रबंधन अपनाने की अपील, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन अपनाकर किसान फसलों में पानी की खपत को कर सकते हैं कम। और कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में लाभकारी सिद्ध हो रही है आरोग्यम बाइक एम्बुलेंस, इसकी मदद से 1500 से ज्यादा लोगों को घर पर ही उपलब्ध करवाई गई प्राथमिक चिकित्सा। समाचारों में आज इतना ही, नमस्कार।